सरदार शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 13 दिसंबर को ट्यूशन से घर जा रही 12 वर्षीय 8वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिस पर शहर की बेटियों ने शिल्पा स्वामी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। शिल्पा स्वामी ने बताया कि 13 दिसंबर को ट्यूशन से घर जा रही 8वीं क्लास की 12 वर्षीय छात्रा के साथ रोडवेज बस स्टैंड के पीछे साक टेलर उसे बहला फुसला कर अपनी दुकान में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। घटना के दिन ही छात्रा के दादा ने सरदार शहर पुलिस थाने में इसाक टेलर के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन घटना के 9 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि 2 दिन में अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर रिया, महिमा, मीनाक्षी, ईशा, पूजा, प्रियंका, दीक्षा, प्रिया, मिताली, पुष्पा, बजरंग दल के कालूनाथ, चंदनमल माली, रोहितास, सुनील कुमार सैनी, शिल्पा स्वामी, भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कांता भोजक, विश्व हिंदू परिषद के सरदार शहर प्रखंड अध्यक्ष शिवदयाल पारीक, गोविंद सैनी आदि मौजूद रहे। खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो घर के जो उसकी लड़की के बच्ची के दादाजी हैं उन्होंने ये कहा कि ठीक है अभी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में, मैं बाहर गया हुआ था, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये आह्वान है कि अगर प्रशासन नहीं मानता है तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये एक कोई निजी मामला नहीं है, ये आम जनता का मामला है। आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल मेरी बच्ची के साथ हो सकता है, कल किसी और की बच्ची के साथ हो सकता है। अगर पॉक्सो में मामला दर्ज किया है तो पॉक्सो की ये शर्त है पहली कि पहले गिरफ्तार करेंगे उसके बाद कार्रवाई होगी। अभी तक वो खुला घूम रहा है, इसका मतलब पॉक्सो नहीं लगा। अगर ऐसी उसके खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो बात है ये आप मीडिया के माध्यम से कि हम चेताना चाहते हैं प्रशासन को कि प्रशासन सुधर जाए, अगर ऐसी हरकतें होती रही तो कल आपकी बच्चों के साथ भी होगी। तो हमें ये ध्यान करना है और हम इस मामले को पीछा नहीं छोड़ेंगे। उस बच्चे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार नहीं करते हैं तो अगली कार्रवाई इतनी भयावह हो सकती है कि प्रशासन समझ नहीं सकेगा। इसलिए प्रशासन को मैं आगाह करता हूं कि तुरंत आपके माध्यम से ये सूचना पहुंचते ही कार्रवाई करे, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम होगा। आपका नाम सर? मेरा नाम शिवदयाल पारीक है, मैं विश्व हिंदू परिषद का सदाशर प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। को गठित एक नाबालिग बच्ची ट्यूशन घर से ट्यूशन जा रही थी तो रास्ते में एक इशाक नाम के टेलर की दुकान है तो बच्ची को बहला फुसला कर जबरदस्ती उसकी अपनी दुकान पे ले गया और बच्ची के साथ गलत हरकत और छेड़छाड़ की कोशिश की, तो बच्ची के दादाजी ने मामला दर्ज करवाया पुलिस थाने में। तो पुलिस ने बोला कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन या तो पुलिस ने बड़ी रकम ले ली है या राजनीति दबाव के कारण अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि अगर 2 दिन में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन की हम चेतावनी देते हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे और पुलिस थाने को फूंक देंगे। ये आज मैं कह रही हूँ, क्या एक बच्ची के साथ न्याय होता है तो यही न्याय मिल रहा है क्या बच्ची को कि पुलिस प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है? अगर एक मंत्री का कुत्ता गायब हो जाता है तुरंत उसको ढूंढ के ले आते हैं। आज एक बच्ची का आरोपी 9 दिन तक खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन से यही मांग है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना किसी बच्ची के साथ घटित ना हो। धन्यवाद। हमारी खुली चेतावनी है कि 2 दिन में इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो हम गांधी चौक में धरना देंगे, प्रदर्शन करने, और सारी बहनें हमारे साथ हैं और सबकी सब बहने, और फिर भी नहीं सुना गया तो मैं आमरण अनशन करूंगी। मेरी खुला चेतावनी उनको, प्रशासन होश में आए और जो अज्ञात व्यक्ति है उसको सामने लाया जाए और हर लिए जाए। बच्ची किस, कल आपकी बच्ची हो सकती है, किसी की भी बच्ची हो सकती है। तो मेरा पूरे सरदार से वासियों से अपील है कि सभी हमारा साथ दें और उस बच्ची के खिलाफ जो भी हुआ उनके खिलाफ खड़े हो जाए। के साथ ये हो चुका तो हम तो बालिक है या किसी और के साथ होगा तो हम तो सुरक्षित है ही नहीं। हम कहीं जाएंगे, हमें बोला जाता है कि घर से बाहर निकलना सीखो बेटियां, ये सीखो। अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा तो हम कैसे निकलेंगे? हम खुद के शर्म आएगी कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, घर वालों को चिंता रहेगी कि ऐसा हो सकता है और उसके बाद में ऐसा किसी के साथ हो जाए और उसको न्याय ना मिले तो फिर हमें घर वाले कैसे बाहर निकलने देंगे? हम तो ऐसे सुरक्षित ही नहीं है। अगर उसके साथ अगर अच्छा न्याय नहीं हुआ तो हर एक बेटी के साथ ही ये अन्याय है, क्योंकि आने वाले समय में सब बच्चे ऐसे ही बोलेंगे कि उसके साथ भी हुआ था, क्या किया प्रशासन ने? कुछ नहीं किया, तो तुम्हारे साथ कौन क्या कर सकता है? बस इसीलिए धन्यवाद।